हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। ये सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल पहले समझ लो होती क्या है, इसके बाद इसके टाइप्स। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट के लिए। तो देखिए, जब कोई भी सब्सटेंस बनता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है, उसकी कोई स्मॉल यूनिट होती है जिसके बार बार रिपीट होने से उस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक, अर्थात ईंट है। अगर वही ईंट बार बार रिपीट होती हैं तो बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरीके से हम लोगों के बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो सेल से हुआ है। एक सेल है जो कि बार बार वही उसी टाइप की सेल रिपीट हो करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन किया है। उसी तरीके से बच्चों, जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में भी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है जिसकी वजह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो आप कहेंगे क्या कि यूनिट सेल होती क्या है? तो कहेंगे द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। और यूनिट सेल किसी क्रिस्टल में इनफिनाइट नंबर में होती हैं, थ्री डायमेंशनल उनका अरेंजमेंट होता है। तो इस तरीके से यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम यूनिट सेल बोलते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई टाइप्स क्या, कितनी तरीके की यूनिट सेल होती हैं, कैसे हैं, जरा इसके बारे में आप समझाइए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे तो यूनिट सेल मेनली टू टाइप्स की होती हैं। जैसे नंबर एक हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गई। इसी को हम बेसिक यूनिट सेल बच्चों कहते हैं, बेसिक यूनिट सेल भी कह सकते हैं, या इसी को सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है जिसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। इस सेंटर्ड यूनिट सेल के तीन पार्ट्स होते हैं। एक नंबर ए होता है जिसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्टकट में हम लोग FCC, बहुत इंपॉर्टेंट FCC, क्योंकि इसका पूरा नाम तो कोई ज़्यादातर लिखता ही नहीं है। आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम में देखेंगे, बुक में देखेंगे, तो जितनी प्रॉब्लम होगी ना वहाँ पर FCC लिख दिया जाता है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अभी सब स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा आपका आता है बी पॉइंट में, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ये। बॉडी सेंटर्ड को शॉर्टकट में हम BCC से रिप्रेजेंट करते हैं, BCC। अगर कहीं पे BCC लगा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। और इसके बाद देखिए तीसरा आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, NCERT में तो है ही नहीं, बाकी ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत और देखने को नहीं मिलेगा, जिसे बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये ज़्यादा आपको यूज में नहीं, ये आपके बड़े बहुत बार यूज होगी, जगह जगह ये यूज होगी, ये वाली और इसके बाद ये वाली। ये तीन यूनिट सेल आपके सिलेबस में हैं और आप इन यूनिट सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम इन्हीं यूनिट सेल को एक एक करके आपको समझा रहा हूँ कि ये किस तरीके की यूनिट सेल होती हैं और कैसा इनका स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हेडिंग आप लगाएंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे, कौन सी करेंगे? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या हम इसी को बेसिक या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है बच्चों, कि हम लोग जो है पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप लोग स्क्वायर बनाएंगे, ठीक, ऐसे बना लो। बनाने के बाद फिर ऐसे कर लो, जितना गैप इधर है ना इतने गैप चारों डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यूनिट सेल बहुत बढ़िया बनेगी। तो इस तरीके से जितना गैप है आइडिया से इतना, देखिए गैप, उतने गैप हमने यहाँ पे बनाया, फिर उतने गैप हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए ये गैप, ये गैप, ये गैप, लगभग बराबर उतने गैप फिर यहाँ पे होना चाहिए। देखिए लगभग में आइडिया से कुछ है, ठीक है। अब आपने ऐसे जब बना दिया तो इसको ऐसे जोड़ दो, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जोड़ दिया। देखिए इस तरीके से यहाँ से भी ऐसे जोड़ देंगे।
फिर इसके बाद जो कॉर्नर पे हैं यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जानते हो, जिसकी वजह से कोई चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे हैं, इन्हीं को हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कंस्टिट्यूएंट ये तुम्हारी जो है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो गया, इसे बोलते हैं। इसमें लैटिस पॉइंट बताओ कहाँ है। लैटिस पॉइंट का मतलब होता है कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लैटिस पॉइंट यहाँ पर 8 हो गए, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल कि इस तरीके की यूनिट सेल किस में होती है, तो ये एग्जाम्पल इसका बच्चों होगा पोलोनियम, यानी पोलोनियम में हुए, यानी पोलोनियम एक मेटोलिक क्रिस्टल होता है। अब पोलोनियम का इतना बड़ा अगर आपने सब्सटेंस ले लिया इतना, तो जानते हो क्रिस्टल इतना बड़ा अगर मान लो ले लिया, तो उसमें इसी तरीके की जो है यूनिट होगी जो कि बार बार रिपीट होकर के पोलोनियम का फॉर्मेशन किया है। ये पोलोनियम इसका एग्जाम्पल है और लैटिस पॉइंट इसमें 8 है। अगर हम आपसे कहें कि भाई से प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप क्या कह देंगे? आप कहेंगे द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाया है, ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आप समझ गए होंगे, एनी द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, केवल कॉर्नर पे हैं, देखिए ये कॉर्नर पे है ना, केवल कॉर्नर पे हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप कहेंगे, हम आपसे कहें कि सैंपल क्या है, तो आप कहेंगे अगर वो यूनिट सेल है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं बस, तो हम उसे सैंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। अब एक बात इसमें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आती है, इसे हम हटा देते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट आती है कि बच्चों ये कॉर्नर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ये तो एक यूनिट सेल है, इसे हम एक यूनिट सेल बोलेंगे। अब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये होते हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कॉर्नर वाला, ये 8 अदर यूनिट सेल से शेयर करता है, यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 होगा। कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8 इसका होगा, 1/8 सब जितने भी कॉर्नर के होते हैं इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। अब आप कहेंगे ये तो हमारी समझ में आया नहीं, क्या समझा रहे हैं भाई? बच्चों ये है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये अदर 8 यूनिट सेल से शेयरिंग कर रहा है। अब आप कहें कैसे शेयरिंग हो रही, कुछ समझाओ। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये आपके पास बॉक्स है, ये मान लीजिए बॉक्स, इसे यूनिट सेल मान लीजिए। अब बताइए इसमें कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है ना। तो अब जब ये एक यूनिट सेल है, अब किसी क्रिस्टल में इन्फिनाइट यूनिट सेल होती हैं, ऐसी बहुत सारी होंगी, इन्फिनाइट अनंत। तो जैसे मान लीजिए कि हमने जो है दूसरी यूनिट सेल ये है हमारे पास, तो हमने जब इसको मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने यहाँ पे मान लिया इस कॉर्नर पे, इसका है तो सभी कॉर्नर पे, इसको हमने कंसीडर कर लिया कि एक यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब इसको जब दूसरी यूनिट सेल जब हम ऐसे रखेंगे ऐसे, तो बताइए ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे था इसको टच करने लगा, इसके साथ भी जुड़ गया। अब दूसरा जब हम बॉक्स यहां पे रखेंगे, दूसरी यूनिट सेल जब यहां पे ऐसे रखेंगे तो इसको भी टच करेगा ये वाला पॉइंट जो यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो देखो ऐसे इसको भी टच कर रहा है, और इधर जब रखोगे तो इसको भी यहां से भी टच करेगा, तो ये वाला इसको भी टच कर रहा है, और यहां रख रहे हैं तो इसको भी टच कर रहा है, यहां रख रहे हैं तो इसको भी टच कर रहा है, और अगर हम ऊपर ऐसे रखेंगे तो इसको भी टच करेगा, जो यहाँ पे पॉइंट होगा ना इस कॉर्नर पे, इसको टच करेगा, अगर यहाँ रखें तो भी इसको टच करेगा, ऐसे इसके यहाँ इसके ऊपर ऐसे रखोगे तो टच करेगा, यहाँ करेगा, तो 4 नीचे 4 ऊपर 8 इसको टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है।
तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा है। तो अगर हम कहें इस यूनिट सेल का हिस्से में कितना भाग पड़ेगा, कितना इसका कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1/8 होगा। भाई ये जो है, ये आपका जो पार्टिकल है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसी यूनिट सेल का नहीं है, इसी से 8 यूनिट सेल और जुड़ी हुई हैं। जब 8 यूनिट सेल जुड़ी होंगी तो इसका कुछ पार्ट तो उनके लिए जाएगा ना। जब 8 से जुड़ेंगी तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा, इसके हिस्से में, इस यूनिट सेल के हिस्से में 1/8 पार्ट इसको मिलेगा। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो अगर हम कहें कि इस यूनिट सेल में आप एटम बताइए कितने, तो एटम सिर्फ 1 है। 8 नहीं, 8 तो ये लैटिस पॉइंट है, ये 8 जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसी के थोड़ो हैं। अरे इससे दूसरी यूनिट सेल जुड़ेंगे तो उनके हिस्से में भी तो कुछ जाएगा, तो ये 1/8 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो हम निकालेंगे यहां पे 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 1/8 + 1/8 + 1/8 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक और करेंगे 1/8 = 1। आप इसे जोड़िए तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है। या तुम ऐसे निकाल लो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो 8 एट कॉर्नर बताओ, 8 कॉर्नर पे है ना, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, 8 से 8 कैंसिल 1 आ गया। तो आपसे पूछ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अगर आपको नहीं पता है तो फिर कुछ पता नहीं, आपसे कह सकता है बताओ सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, पर यूनिट सेल बताइए, यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, आप कहेंगे 1। 8 क्या है, 8 ये लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल यूनिट सेल रहा। ये भी समझो 1/8, 8 बार हमने क्यों किया, क्योंकि 8 कॉर्नर है, एक का के हिस्से में 1/8 पार्ट मिलेगा, तो हमने 8ों के लिए जोड़ दिया तो 1 आ गया, आसान हो गया। इसके बाद बच्चों क्या आता है, दूसरा आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कॉर्नर पे तो होगा ही, लेकिन कॉर्नर के अलावा दूसरी जगह भी होगा कहीं। तो जैसे इसमें आपके पास आया कौन सा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC मैंने लिख दिया शॉर्टकट में। अब FCC का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखिए, ये आपने यूनिट सेल बना दिया, ये देखिए, अब तो आप जल्दी से बना देंगे, ये देखिए इस तरीके से, यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंस है, ठीक है, यहां पे कॉर्नर पे, और कॉर्नर के बाद ये देखिए फेस होते हैं, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। आप जिस रूम में बैठे हो ना उस रूम को देखिए, कितनी दीवारें उस रूम में है, 4, एक इधर, एक इधर, एक पीछे, एक आगे, तो 4 तो फेस ये हो गए, और एक आप छत, वो भी फेस है, और एक आपका ग्राउंड, ये भी फेस है। तो 4 तो दीवारें हो गई, एक छत हो गई, एक नीचे हो गया, तो 6 फेस हो गए, ठीक है, 6 फेस, ये आपके फेस होते हैं। कॉर्नर तुम्हारे 8 होंगे, आप जिस रूम में बैठे हो इस तरीके से 8 तुम्हारे जो है कॉर्नर होंगे, 6 फेस होंगे। तो कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और फेस में यानी दीवार में भी एक है बीचों बीच, ये देखिए फेस, यहां पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंस है। अब आप कहोगे यहां 2 क्यों बनाए, अरे एक छत का है, एक नीचे का, एक बैक साइड का है, एक फ्रंट का है। तो इसमें क्या होगा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और सभी फेस के सेंटर में भी होता है। इसका एग्जाम अगर हम आपसे कहें कि भाई लैटिस पॉइंट आप बता दो, लैटिस पॉइंट आप बता दीजिए, तो आप कहोगे लैटिस पॉइंट सर काउंट करेंगे तो 8 तो कॉर्नर में हो गए, 6 फेस हो गए, तो 14 हो गए। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है NaCl, यानी NaCl जो नमक जो तुम खाते हो, इसका जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल में जो स्ट्रक्चरल यूनिट, जो यूनिट सेल होती है वो ये होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
बहुत बार पेपर में आया कि भाई बताओ नमक में NaCl में किस प्रकार की यूनिट सेल होती है, उससे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। यही यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर के नमक के टुकड़े का फॉर्मेशन करेगा, ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है। इसी के बार बार रिपीट होने से जो है नमक का टुकड़ा या नमक का क्रिस्टल बनेगा। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई ये क्या है, तो आप कहोगे द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट सेंटर ऑफ ईच सिक्स फेसेस यानी सेंटर ऑफ ईच सिक्स फेसेस इज कॉल्ड FCC, हम इसको FCC बोलेंगे। यानी द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट सेंटर ऑफ सिक्स फेसेस एट सेंटर ऑफ ईच सिक्स फेसेस यानी प्रत्येक सिक्स जो फेस होंगे उसके सेंटर में होंगे। एंड ये नहीं कि दीवार है ये आपने उस कोने पे वहाँ किनारे बना दिया, ऐसा नहीं, इस दीवार के जो पूरा सेंटर में होगा तो उस सेंटर में आपको बनाना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो आप देखेंगे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस केस में जब देखेंगे तो ये कॉर्नर वाले तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो फेस वाला है इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, हर एक का 1/2 होगा। ऐसा कैसा, देखिए बता रहे हैं आप, देखिए ये यूनिट सेल है, 6 फेस इसके हो गए, कौन 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, अब दूसरा जब यूनिट सेल आएगा जब ऐसे जुड़ेगा तो यही तो दोनों एक दूसरे में शेयर हो गए। अब यहाँ यूनिट सेल इधर उधर बनाओगे तो उस इससे तो मतलब नहीं, इसने तो केवल इसके साथ शेयरिंग कर लिया। तो जितने भी फेस है जब आप ऐसे फेस में लगाओगे तो केवल 2 यूनिट सेल से वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शेयर करेगा, कॉर्नर वाला 8 से करता है और ये केवल फेस वाला 2 से करेगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर हो गया। अगर हम आपसे कहें कि बताओ इस FCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल यूनिट या नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इस केस के लिए FCC के लिए है ये, तो हम लिखेंगे 8 एट कॉर्नर और इंटू 1/8 प्लस 6 एट फेस में होंगे और इंटू 1/2 6 फेस है। अब इसे सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, वहां सॉल्व करोगे 3 आएगा तो 4 हो गया। तो याद रखिए FCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है कितने होते हैं, 4। या अपना वैसे करके निकाल लो, 8 के लिए आपने 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 करते गए, कितने बार, 8 बार करोगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा जोड़ने पर। अच्छा फेस वाला 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1 2 3 4 5 6 है फेस। अब इसे आप जोड़िए तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 और 1 ऊपर 4 हो गया, बहुत सिंपल। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या रहा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपके सामने आ गई और समझ भी गए। इसके बाद अगला बच्चों इसमें है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बच्चों जो पॉइंट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो जो है कॉर्नर पे तो होंगे ही, ये देखिए कॉर्नर पे होंगे, पॉइंट्स ऐसे कॉर्नर पे होंगे और एक यूनिट सेल के बॉडी में होंगे, इसके अंदर होगा। तो आप कहेंगे ये बॉडी में अंदर है, जैसे रूम में जहां बैठे हो ना तुम, तो कॉर्नर के पॉइंट हो गए 8 और 1 बिल्कुल बीचों बीच होंगे,
जैसे बीचों बीच का मतलब ये यूनिट सेल है। अब बीचों बीच का मतलब ये होगा जो पॉइंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो इसके अंदर होगा, ये पॉइंट मान लीजिए है ना, इसके अंदर हमने डाल दिया, डालने का मतलब बीचों बीच फिक्स होगा, तो वो तो किसी से शेयरिंग करेगा नहीं, दूसरी यूनिट सेल यहाँ 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 सब जुड़ेंगी, वो पॉइंट किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, उसका कंट्रीब्यूशन वन होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वन होगा। तो ये बॉडी सेंटर्ड में है, तो आप कहेंगे द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट क्यूब, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल के बीच में भी होता है। लैटिस पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों को बताओ लैटिस पॉइंट कितना होगा, लैटिस पॉइंट इसके होंगे आठ, आठ और प्लस एक और जुड़ जाएगा नौ, यानी आठ तो ये एक बीच का नौ। इसका एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड जो क्रिस्टल होता है उसमें इसी तरीके की यूनिट सेल होती है जो बार बार रिपीट होकर के सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अगर से कहें कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, आप बताइए पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल ये बता दीजिए आप, तो इसके लिए बताइए आठ तो कॉर्नर पे हो गया, तो लिखेंगे एट एट कॉर्नर और इंटू वन बाई एट प्लस वन एट बॉडी सेंटर, यानी बॉडी सेंटर में इसकी शेयरिंग होती नहीं तो कंट्रीब्यूशन वन हो गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो इसका मतलब इसमें टू एटम होंगे पर यूनिट सेल, इसमें टू एटम होंगे। क्लियर हो गया, ये भी आप समझ गए। इसके बाद लास्ट एक और देख लीजिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में बच्चों क्या होता है, ये यूनिट सेल इस तरीके से होती है, ये आपने यूनिट सेल बना दिया, कॉर्नर पे तो सभी में होते ही हैं, ये कॉर्नर पे पॉइंट हो गए और कॉर्नर पॉइंट होने के बाद किन्हीं दो फेस में होंगे पॉइंट, यानी इस फेस में बना दिया तो यहां बना देंगे, यानी आमने सामने, अगर यहां नहीं बनाया इधर बनाओ तो इधर बनाओ, या तो फिर ये आप एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब क्या है बैक साइड का एक फ्रंट का हो गया। तो मतलब क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द टू सेट ऑफ द फेसेस, टू सेट ऑफ द फेसेस, और इसका एग्जाम्पल बच्चे जो होगा वो Na2SO4 और 10H2O होता है। अगर हम आपसे कहें कि लैटिस पॉइंट बताओ, तो बच्चों लैटिस पॉइंट के बारे में आप आठ और दो और करेंगे दस हो जाएंगे, लैटिस पॉइंट यहां पे टेन हो जाएंगे। क्लियर हो गया, अगर हम कहें कि भाई आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बता दीजिए पर यूनिट सेल, तो बताइए एट एट कॉर्नर हो गया आए? और वन बाई एट हो गया प्लस टू एट फेस हो गया, फेस एम तो है और वन बाई टू, तो यहां पे आपका वन आया वहां पर भी वन आया तो टू, इसमें भी पर यूनिट नंबर ऑफ एटम टू होंगे। तो इस तरीके से ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो अगला पॉइंट इसी में देख लीजिए, तो हमने कितनी यूनिट सेल बताई आप लोगों को, चार तरीके की यूनिट सेल बताई, यानी चार में सबसे पहले हमने आपको बताया सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल जो कंस्टिट्यूएंट पॉइंट होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, उसका एग्जाम्पल पोलोनियम, लैटिस पॉइंट उसके कितने थे आठ थे और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल वन था। इसके बाद हमने आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बताया, इसमें क्या होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द ईच सिक्स फेसेस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल नमक NaCl, लैटिस पॉइंट इसमें आपके 14 थे 14 और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जब आपने निकाला तो 4, बहुत जरूरत पड़ेगी ये। इसके बाद बॉडी सेंटर BCC में आए, बॉडी सेंटर में द यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, यानी कॉर्नर पे और सेंटर ऑफ द यूनिट सेल में होते थे, लैटिस पॉइंट 9 थे और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपने 2 निकाले, क्योंकि कॉर्नर वाला तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, बॉडी सेंटर वाला किसी से शेयरिंग नहीं करता है। इसके बाद इंड सेंटर में आए, उसमें पॉइंट्स जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चरल पॉइंट जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और टू सेट ऑफ द फेसेस में होते हैं, लैटिस पॉइंट 10 थे और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपने निकाला तो आपके 2 निकले।
तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं, बहुत ज़्यादा इस लेसन में इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो कह देगा FCC, तो हम लोग समझ जाएंगे FCC का मतलब जो है, इसमें जो एक यूनिट सेल होगी उसमें नंबर ऑफ एटम 4 होंगे। आप चाहें तो इसको अपना टेबल बना सकते हो, इस तरीके से अपने समझने के लिए टेबल बना लो। आए यहाँ पे मैंने सैंपल लिख दिया, ठीक है, लैटिस पॉइंट, यहाँ क्रिस्टल लिख दिया, यहाँ लैटिस पॉइंट लिख दिया, यहाँ नंबर ऑफ एटम लिख दिया पर यूनिट सेल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया, ऐसे बना लो। तो इसमें लैटिस पॉइंट कितने थे, 8, एटम 1, एग्जाम्पल पोलोनियम। दूसरे में FCC में क्या था, लैटिस पॉइंट 14 थे और ये 4 था, एग्जाम्पल आपका NaCl था। इसके बाद BCC में यहाँ पे आपका 9 था, यहाँ 2 था, यहाँ CGM क्लोराइड है। इसके बाद आपका इंडसेंटर, इसमें इंडसेंटर में 10 था, 2 था, और इसके बाद यहाँ पर Na2, SO4 और 10H2O था। एग्जाम्पल बना लो, और अगर और आप इसको डिटेल में करना चाहो तो लिख दो 8 एट कॉर्नर इंटू 1/8 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ करना चाहो तो 8 एट कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 6 एट फेस इंटू 1/2, तो ये 4 आ जाएगा। इसका भी इसी तरीके से जैसे निकाला निकाल करके दिखा सकते हो। इस तरीके से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत डिटेल में अगर तुम्हें सुनना है पढ़ना है तो हमारे ऐप पे जाइए आप, P² Chemistry, जो कि आप प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हो, और उस ऐप में सारे लेक्चर को बहुत ही डिटेल में विथ नोट्स उसमें पड़े हुए हैं, PDF फाइल पड़ी हुई है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें डिस्क्राइब किया गया है हर टॉपिक को, हर चीज़ को। तो आप उसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके मतलब जो है आप पूरी की पूरी 100% 0 से लेकर 100 पूरी की पूरी जानकारी वहां से हर टॉपिक, हर लेसन, हर चीज़ के बारे में आप हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहिए।